हेलो गाइस, वेलकम बैक टू राजदीप क्लासेस। आज हम एक्सेल के इस ट्यूटोरियल में सीखेंगे किसी भी इंफॉर्मेशन को कम टाइम में डेटा एंट्री कैसे करें। इसके लिए आपको सबसे पहले जो भी एंट्री करनी है उसकी हेडिंग आपको रेडी कर लेना है। इस हेडिंग को रेडी करने के बाद से आपको बहुत आसानी से अगर डेटा फीडिंग करनी है तो उसके लिए आपको एक फॉर्म रेडी करना होता है जो हमारे पॉपुलर कमांडेड पे नहीं होते। फॉर्म को हमें एक्टिव करना पड़ता है। एक्टिव करने के लिए हमें फाइल में जाना होता है, फाइल देन यूज़ करना है ऑप्शन, देन कस्टमाइज रिबन, देन आपको यूज़ करना है पॉपुलर कमांड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको आएगा कमांड्स नॉट इन द रिबन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद से आपको कहाँ पे इंसर्ट करनी है उसके लिए आपको बनाना पड़ता है फॉर्म। फॉर्म के लिए एक हमें ग्रुप बनानी होती है, जैसे यहाँ पे क्लिपबोर्ड ग्रुप आप देख रहे हैं वैसे ग्रुप बनानी है। ग्रुप बनाने के लिए सेल पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको कर लेना है न्यू ग्रुप। यहाँ पे न्यू ग्रुप करने के बाद से आपको कहाँ पे फॉर्म लिखा है तो आप किसी एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, एफ ऑप्शन प्रेस करेंगे। एफ प्रेस करते ही आपको फॉर्म आ जाएगा, सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे। देख रहे हैं यहाँ पे ऐड हो चुका है, देन कर लेंगे यहाँ से ओके। ओके करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म ऑटोमेटिक यहाँ पे आ चुका है आपका। उसके बाद से आपको क्या करना है, जो भी हेडिंग आपने बनाया है इसको करना है आपको सिलेक्ट, देन आपको फॉर्म पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पे कर लेंगे ओके। ओके करते देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म फिटिंग का ऑप्शन आ गया सारा। अब बहुत ही आसानी से यहाँ से फॉर्म फिटिंग आप कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने फॉर्म फिट यहाँ पे लिखा हमने वन, फिर यहाँ पे हमने नाम लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमने लिखा मोहन, यहाँ पे हमने लिख दिया लाल बच्चन नाम हमने ले लिया, फिर हमने माँ का नाम हमने ले लिया शोभा लिख लिया, डेट ऑफ बर्थ हम लिख लेते हैं ठीक है। तो यहाँ से हमने डेट ऑफ बर्थ फिट करेंगे, फिर हम यहाँ पे जब आगे हम जिस ऑप्शन पे यहाँ पे आना है नेक्स्ट पे, तो यहाँ से टैब यूज करना है। क्या यूज करना है, टैब। टैब पे जाएंगे अब एडमिशन डेट, एडमिशन किस डेट को उनका हुआ है, जिस भी डेट को एडमिशन हुआ है वो एडमिशन डेट लिख लेंगे, किस कोर्स में हुआ है कोर्स का नाम लिख लेंगे, फीस कितनी है फीस फिल कर लिया, फिर हमने यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो भी है मोबाइल नंबर वो मोबाइल नंबर हम लिख लेंगे ठीक है। उसके बाद से एड्रेस हमने लिख लिया है, एड्रेस की कहाँ पे एड्रेस है ठीक है, एड्रेस लिख लिया। अब यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिए, बार बार न्यू पे जाने की जरूरत नहीं है। चाहिए आप क्या करेंगे, इंटर बटन प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे फॉर्म फिटिंग आ चुका है। आप देख रहे हैं कि जो भी हमने पहले नंबर पे लिखा था वो सारा ऑप्शन यहाँ पे फिट हो चुका है। इस तरीके से जितने भी डेटा आपको फिट करनी है वो सारी डेटा आप फिट कर सकते हैं ठीक है। इस तरीके से हमने कुछ डेटा को फिट कर लिया है। सपोज दैट हमने देखा कि यहाँ पे हमने राहुल का जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे हमारा छूट गया है, इसको हमें फिट करना था। तो फॉर्म को यहाँ पे आप मिस्टेक नहीं करेंगे, यहाँ पे फॉर्म को आपको डिसकनेक्ट नहीं करना है, यानी क्लोज नहीं करना है, आपको डायरेक्टली इसको ओपन करना है यानी लाना है। तो आपको नेक्स्ट और प्रीव्यू आप फॉर्म में जो भी डेटा फीड किया है तो उसको ला के एडिट कर सकते हैं। इसके लिए आपको शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी, अल्ट के साथ पी प्रेस करेंगे तो देखिए राहुल का डेटा आ गया। अब राहुल के डेटा में जो भी आपको यहाँ से मोबाइल नंबर लिखना है, मोबाइल नंबर लिखा फिर इंटर बटन प्रेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख रहे हैं कि डेटा हमारी फिटिंग हो चुकी है। न्यू सेक्शन की डेटा फिर यहाँ फिट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई हो। अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।